हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता रहा। देखिए, अब ये जो मैं कैप बना रही थी, आज ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, पहनने के बाद इसकी लुक बहुत ही सुंदर लग रही है। इस कैप को बनाने के लिए मैं आपको एक बार से फिर रिपीट करा देती हूँ। इसको मैंने ओसवाल की 3-ply उन से बनाया है, नीडल नंबर 7 में इसको मैंने बनाया। और इसमें इस कैप की जो लंबाई को पूरे करने के लिए मेरी 110 सिलाइयाँ बनाई हैं। 110 सिलाइयाँ बनाने के बाद 111वीं सिलाई पे मैंने इस कैप को बाइंड ऑफ किया है और फिर उसके बाद मैंने इसे सिल दिया। तो इस तरह से ये कैप बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इसका फ्रंट, और ये देखिएगा ये इसका बैक, बहुत ही सुंदर है। देखिएगा इस तरह से जो है ये कैप बनकर तैयार हुई। लंबाई इसकी थोड़ी मैंने जो है लॉन्ग में रखी है। आप इसको जो है दो तरीके से पहना सकते हो, या तो इसका जो है बॉर्डर को फोल्ड कर लें, फोल्ड करके पहना दें, या फिर मैं आपको एक इंस्टेंट पॉम पॉम बता देती हूँ, उसको आप बना सकते हो लंबाई कम करने के लिए। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही पहना सकते हो। यदि आपने पॉम पॉम बनाना हो तो आपने क्या करना है, इस तरह से जो है हमने किए इसको एक पॉम पॉम की शेप दे देनी है। और अभी मैं फ़िलहाल इसके लिए जो है रबड़ का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से देखिए ये पॉम पॉम बन जाएगा। और ये देखिए ये पॉम पॉम इस तरह से, बाद में आप जो है इसको यहाँ से पक्का कर दें यदि आपको पॉम पॉम बनाना है। लेकिन मैंने पॉम पॉम नहीं बनाना था, इसलिए मैं इसको नहीं बनाऊंगी। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ये तरीका बताया है। और ये देखिए इस तरह से जो है ये कैप बनकर तैयार हो गई है। इसमें जो है मेरी कम से कम 50 या 60 ग्राम ऊन ही लगी होगी। और इसको जो है मैंने ये जो कैप जो है 3 से 4 साल के बेबी तक आराम से आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।